हेलो एवरीवन जी जनाब, क्या हाल चाल है आपके। सॉरी जनाब, थोड़ा लेट हो गए। ब्रेक आपकी थोड़ी लंबी होगी। बहरहाल बहरहाल मुझे बताइए, हमारी अभी कौन सी क्लास चल रही है। दिस इज ए एस लेवल पे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक फैमिलीज सीख रहे हैं। और मैंने आपको कितनी फैमिलीज पढ़ा दी हैं। पहली फैमिली थी अल्केन, वो हो गई। दूसरी फैमिली थी अल्कीन, वो हो गई। तीसरी फैमिली थी हेलोजिनो अल्केन, या जिनको हम हेलो अल्केन कहते थे। हेलो अल्केन्स के मैंने आपको सबसे पहले कौन से रिएक्शंस कराए जनाब, बताएंगे सर। एक आपने उनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया। फिर हमने लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में, एल्कोहलिक KOH डालकर उसका एलिमिनेशन रिएक्शन कराया। ठीक हो गया जनाब। हमने जब उसका एलिमिनेशन रिएक्शन कराया, सो आज देखते हैं कि आज हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पे, चौथी फैमिली। व्हाट इज दिस फोर्थ फैमिली? इट इज, आपने जब अल्कोहल्स का सबसे पहला काम कराया था तो क्या किया था आपने? KOH, मतलब उसमें एक्वियस KOH डाली थी। हीट अंडर रिफ्लक्स किया था, और उस हीट अंडर रिफ्लक्स की वजह से क्या हुआ था? उस हीट अंडर रिफ्लक्स की वजह से क्या हुआ था भाई, प्लीज बताएंगे? प्लीज बच्चों, जवाब चाहिए। ठीक है जी सर। है नहीं, मुझे गलत बता रहे हो। हेलो अल्केन में जब आपने एक्वियस KOH डाला, हीट अंडर फ्लक्स किया, तो हेलो अल्केन का हेलोजन हट गया और वहां पे OH लग गया था। और जब वहां पे OH लग गया तो हमने उसको क्या बोला? हमने उसको अल्कोहल बोला। क्या बोला भाई? अल्कोहल बोला था। तो अब चौथी फैमिली हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। मैं आपको भी क्या कराना चाहता हूं, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स कराना चाहता हूं। अल्कोहल्स के लिए एक और नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज एल्कनॉल्स। और एल्कनॉल्स का जो जनरल फॉर्मूला है, दैट इज CnH2n+1, उसके बाद OH, या फिर यू बेटर कॉल इट ROH, यू कॉल इट ROH, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप जो है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है, व्हाट इज इट, इसका फंक्शनल ग्रुप इज OH। ठीक है जी, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो H है, सॉरी H कह रहा हूँ, OH है। और जैसे आपने हेलोजिनो अल्केन में X1 नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल कहा, NH2 1 नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल कहा, CN 1 नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल कहा, और ये जो क्या कहते हैं R, मतलब इस OH को भी उसी तरह आपने न्यूक्लियोफाइल कहा होगा, तो मैं अभी भी इसको क्या कहूंगा? चलें पहले, अगर आप इसका स्ट्रक्चर मुझसे मजीद ओपन करवाना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, ये O है, O के साथ इधर H होगा, इधर इसके R होगा, इधर इसके दो लोन पेयर्स होंगे, इधर इसके दो लोन पेयर्स होंगे। पार्शल, ये जो O है, O जाती तौर पर क्या होगा? O जाती तौर पर पार्शल नेगेटिव होता है। हाँ, इसका क्या हो सकता है, इसमें इसमें ये वाला H जो है, ये वाला H थोड़ा सा पार्शल पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, ये वाला H पार्शल पॉजिटिव हो सकता है, और ये जो O है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा, वो वाला कार्बन भी पार्शल पॉजिटिव होगा। या तो आप ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिए, या फिर मुझे बताने दीजिए कि जी मैं इसको यूं कह दूं कि सर R है, R के साथ OH है, OH को कुल मिलाकर पार्शल नेगेटिव समझ लीजिए, R के अंदर जो कार्बन है उसको पार्शल पॉजिटिव समझ लीजिए, और इस OH को क्या समझ लीजिए? ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सो या फिर
हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सो का हो या हाइड्रोक्सिल का हो, हाइड्रोक्साइड ना कह देना, क्यों हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं कहना बच्चों, प्लीज बताइए, इसको हाइड्रोक्सो कहना है, हाइड्रोक्सिल कहना है, हाइड्रोक्सी कहना है? हाइड्रोक्सी कह सकते हैं, हाइड्रोक्सो कह सकते हैं, हाइड्रोक्सिल कह सकते हैं, बट नॉट हाइड्रोक्साइड, बट नॉट हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, यहां लिखा जी बट नॉट हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड जो है ना पूरे का पूरा नेगेटिव होता है, वो पूरे का पूरा वन नेगेटिव होता है, और जब वो पूरे का पूरा वन नेगेटिव होता है, जब वो पूरे का पूरा वन नेगेटिव होता है तो प्लीज याद रखिए वो तो मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, और मेटल हाइड्रोक्साइड बेस किस्म की चीज होती है, मेटल हाइड्रोक्साइड एक बेस किस्म की चीज होती है, ठीक है। यहां तक किसी को परेशानी है? एनीवन? सो यू नो हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं बेटा के देर इज दिस एल्कोहल, देर इज दिस एल्कानॉल विच इज दिस आर ओ एच, ओ एच इज द फंक्शनल ग्रुप, ओ एच ओ के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो क्या सिचुएशन होगी? आई होप आपके सामने है जो सिचुएशन। कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो प्लीज बता दीजिए। जी नहीं ना, ओके ओके। अब अगर मैं इसके रिएक्शंस की बात करना चाहूं, जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, इस OH को हम इसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते क्या हैं, नोन एज, इट इज नोन एज हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, बट नॉट हाइड्रोक्साइड, बट नॉट हाइड्रोक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है जी, इसको हाइड्रोक्साइड आयन नहीं कहते। अच्छा, यहां तक किसी को मसला है जी, यहां तक किसी को मसला है? इसके जहां तक रिएक्शंस का ताल्लुक है, इसके जहां तक रिएक्शंस का ताल्लुक है, यार मुझे एक बात बताओ, क्या ख्याल है आपका, अगर आप इसको भी जैसे जैसे हेलोजिनो अल्केन में एक्स नेगेटिव, सॉरी एक्स नेगेटिव एक चीज थी, एक्स नेगेटिव एक चीज थी, उसी तरह ओ एच नेगेटिव को भी आप न्यूक्लियोफाइल नहीं मान सकते? अगर आप इस पूरे को न्यूक्लियोफाइल मान लेते हो, अगर आप इस पूरे को न्यूक्लियोफाइल मान लेते हो, तो इसका भी क्या रिएक्शन होना चाहिए, इसका भी पहले नंबर पे, डोंट यू थिंक, जैसे मैंने हेलोजिनो अल्केन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराए हैं, इनका भी मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं कराने चाहिए? कि जैसे आपने कहा एल्कोहल का, सॉरी हेलोजिनो अल्केन का एक्स हटाओ, एक्स हटाकर OH लगाओ, या एक्स हटाकर NH2 लगाओ, या एक्स हटाकर CN लगाओ, तो क्या मैं यहां पे OH हटाकर, चलो मैं NH2 लगाऊं ना लगाऊं, मैं CN लगाऊं, क्या मैं OH को हटाकर एक्स वापस नहीं लगा सकता? प्लीज बताइए, जैसे आप लोगों ने हेलोजिनो अल्केन का एक्स हटाकर वहां पे OH लगा दिया एक्वियस KOH की मौजूदगी में, तो क्या मैं कोई ऐसा रिएजेंट या कंडीशंस नहीं ढूंढ सकता कि जिनमें OH को हटाकर वापस वो लगा दिया जाए, क्या बोलते हैं,
वापस क्या लगा दिए, वापस एक्स लगा दिया। ढूंढ सकते हैं सर। दूसरी चीज, आपने, मैं एक ये रिएक्शन कराऊंगा, आपने हेलोजिनो अल्केन का एक और रिएक्शन कराया है, एक और रिएक्शन कराया, कौन सा? कल आपने क्या किया था? आपने कहा सर एक कार्बन से हेलोजन जाएगा, साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगी, एच एक्स निकाल दिया, वहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया आपने। अच्छा, जब आपने वहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया तो आपने एलिमिनेशन नहीं करा दी थी? डोंट यू थिंक यहां पे भी एलिमिनेशन हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन? इनफैक्ट इसकी एलिमिनेशन को मैं बोलूंगा डिहाइड्रेशन। क्यों? एक कार्बन से मैं ओ एच निकालूंगा, दूसरे कार्बन से मैं एच निकालूंगा, तो जरा बताओ तो सही, निकलेगा क्या? वाटर निकलेगा सर। जब वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो मैं उसको क्या कहूंगा? डिहाइड्रेशन। ओके, ये भी फैमिली थोड़ी हमारे लिए थोड़ा थोड़ा लंबा टाइम लेगी, इसने थोड़ा सा लंबा टाइम लेना। कैसे? एक और सिचुएशन भी है, इसके मेरे पास तीसरे नंबर पे बड़ा ही जरूरी इसका एक रिएक्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन। है जी, जैसे आपने अल्कीन को ऑक्सीडाइज किया था, तो कोल्ड डाइल्यूट के एमिनोफोर जब डाला था आपने, तो डायोल बना था, या वो डायोल जब आपने हॉट कंसेंट्रेटेड के एमिनोफोर डाला तो फिर वो डायोल नहीं बना था, फिर पता नहीं वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, कोई कीटोन बना, कोई क्या बना, कोई क्या बना। असल में पहले स्टेप में वो डायोल ही बनता है, अगले स्टेप में डायोल को कुछ हो जाता है, वो क्या हो जाता है वो मैं यहां पे समझाऊंगा। कि इसकी जैसे देखिए, मैं अगर आपको याद कराऊं कि अल्कीन में जब आपने माइल्ड ऑक्सीडेशन की तो कोल्ड डाइल्यूट के एमिनोफोर बना, जब आप उसकी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के एमिनोफोर में जब आप क्या करते थे, जब आपने उसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की थी तो कंपाउंड तोड़ दिया था आपने, जब आपने कंपाउंड तोड़ दिया था तो असल में वो डायऑल था जो टूट कर आगे पता नहीं दो हाइड्रोजन हो किसी कार्बन के साथ तो CO2+ वाटर बनाता है, एक हाइड्रोजन हो किसी कार्बन के साथ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कोई कार्बन ना हो किसी के साथ तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो कीटोन बना देता है। तो असल में पहले स्टेप में डायोल बना था, अगले स्टेप में जब आपने कंडीशन सवेयर कर दी, मजीद ऑक्सीडाइज कर दिया, तो बेसिकली आप वहां डायोल की ऑक्सीडेशन करा रहे थे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। फिर ये सारे वो रिएक्शन है जिनका मैं आपको अंदाजा दे रहा हूं, जो आपने पहले कहीं ना कहीं सुने हुए हैं, आपने पहले कहीं ना कहीं सुने हुए हैं, मैं उनको लिंक करूंगा बस यहाँ पे। फिर एक होता है जी, इसका एक रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जैसे जैसे जो है वो क्या कहते हैं, मेटल्स जो है ना पानी में से, जैसे मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करके पानी में से क्या निकालते थे, मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करके पानी में से किसको डिस्प्लेस करते थे? एच प्लस को। तो यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि मेटल्स इसके इस अल्कोहल के एच प्लस को डिस्प्लेस कर दें। ठीक है, ठीक है, इसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराऊंगा, इसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराऊंगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है कि ये पूरी चीज सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी मेटल ने आकर, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल, जो भी कंपाउंड, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, OH पूरे का पूरा रिप्लेस हो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ H डिस्प्लेस हो, सिर्फ ये H डिस्प्लेस हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वो जो मेटल्स टाइप डिस्प्लेसमेंट होती है। अच्छा जी, सो ये चार हो गए, और इसका पांचवा रिएक्शन मैं कराऊंगा उसके साथ, वो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर ही कराऊंगा। इसका पांचवा रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है जी भाई, इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिक्स करके एस्टर बनाऊंगा, वी कॉल इट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग से गुजरे हैं, आपके दिमाग से गुजरे होंगे, लेकिन हमने उतना ज्यादा फोकस नहीं किया होगा।
आज के लेक्चर का क्या क्या मकसद है? आज के लेक्चर का मकसद है इन पांच रिएक्शंस को सुथरी तरह फॉलो करना, समझ कर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके आइडियोलॉजी प्रॉपरली बिल्ड करना। ठीक है जी? ओके भाई, सबसे पहला रिएक्शन मैं आपको कौन सा कराऊंगा? सबसे पहला रिएक्शन जो है आपको पढ़ाया जाएगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH न्यूक्लियोफिलिक। मुझे इस चैप्टर को, मुझे इस अल्कोहल को एटलीस्ट खत्म करना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऑफ OH by x of OH one negative by x one negative। क्योंकि आज मैंने mechanisms तो नहीं कराने ना इंशाल्लाह बेटा, पता क्या है? मैंने इन reactions के mechanisms नहीं सिखाने, तो बस मुझे reaction पे reaction ही सिखाना है, और मुझे reference पिछले किसी example का देते जाना है, मुझे कोई नई चीज नहीं सिखानी। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ नया सिखाना पड़ेगा, सब पिछला है, मुझे पिछले के साथ लिंक करना है, लिंक करके reaction लिखना है, टकाटक आगे। ओके जी, सुनिए गौर से, मैंने कराना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH one negative by X one negative। ठीक है, मुझे प्लीज बता दीजिए व्हाट इज X one negative? इफ आई से X one negative इज, X one negative कैन बी थ्री ऑप्शंस, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। सुनिए जी, मैंने क्या कराना है जी, SN ऑफ, पहला एक तीन कॉलम्स बना लीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH वन नेगेटिव बाय Cl वन नेगेटिव, इधर क्या होगा? फिर जी SN ऑफ OH वन नेगेटिव बाय Br वन नेगेटिव, ये कैसे होगा? फिर जी SN ऑफ OH वन नेगेटिव, नहीं मैं वैसे रिएक्शन लिखने की हद तक कह रहा हूँ ना, मैं तो रिएक्शन लिखने की हद तक कह रहा हूँ, ऑफ OH वन नेगेटिव बाय By what? अगर मैं सिर्फ इनको अलग अलग करूं, अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं तो मैं नेगेटिव ही लिखूंगा ना अहमद बेटा। अगर मैं किसी कंपाउंड में लिखने की बजाय अगर बिल्कुल अलग से लिखूंगा तो मैं तो नेगेटिव ही लिखूंगा। ये चलो अगर आप पार्शियल नेगेटिव लिखना चाहते हो तो आप पार्शियल नेगेटिव लिख दो, ऑफ OH पार्शियल नेगेटिव बाय Cl पार्शियल नेगेटिव, यूं करोगे? ये कह रहे हो, चलो यूं कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है इस बात से भी जी। ओके, क्या रिएक्शंस हैं असल में यहाँ पे फोर डिफरेंट रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड। मैं यहाँ एक जुमला लिखवाना चाहता हूँ, इस सिचुएशन में फोर डिफरेंट रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड। जहां ताल्लुक है इसका टू डिफरेंट रिएजेंट्स can be used, जहां ताल्लुक है इसका only one reagent can be used, only one जी। अगर आपने OH को हटाकर Cl negative लगाना है तो चार मुख्तलिफ चीजें use की जा सकती हैं। OH को हटाकर Br लगाना है तो सिर्फ दो चीजें use की जा सकती हैं। OH को हटाकर I लगाना है तो there is only one thing जिसको आप use कर सकते हैं। ठीक है, मैं जरा पहले इस वन वाली बात को कैरी करता हूँ। इस वन वाली बात को क्या कैरी करूँ, यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, जो चीज दोनों में, जो चीज बिल्कुल दोनों में कॉमन है वो मैं आपको बता दूँ, दैट इज Pi3, ओनली वन रिएजेंट, दैट इज फॉस्फोरस आयोडाइड। फॉस्फोरस अगर ओनली वन रिएजेंट, कौन है जी वो ओनली वन रिएजेंट, दैट इज पी। बेटा सिर्फ जो समझा रहा हूं समझो ना यार, इसको समझने पे ध्यान दो। Pi3, दैट इज ओनली वन रिएजेंट कैन बी यूज, दैट इज Pi3। ठीक है, ओके जी, यहां पे मैंने लिखा है Pi3, दैट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग रेड फॉस्फोरस विद आयोडीन। Pi3
इसका लिख दीजिए ब्रैकेट में, ओनली वन रिएजेंट कैन बी यूज्ड, ओनली वन रिएजेंट कैन बी यूज्ड, ओनली वन रिएजेंट कैन बी यूज्ड, कौन है वो? Pi3 फॉस्फोरस ट्राईआयोडाइड दैट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, क्या दैट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस रेड कलर वाली भी होती है व्हाइट भी होती है, दैट इज फॉस्फोरस दैट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग रेड फॉस्फोरस विद आयोडीन. अगर आप इस फॉस्फोरस को P4 को आयोडीन I2 के साथ मिक्स करेंगे तो क्या चीज बनेगी? Pi3 बनेगी. इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12 और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास 1. असल में यहाँ एक ही चीज है तो मैंने कहा थोड़ी एक्स्ट्रा बात लिखवा दूं आपको. ओनली वन रिएजेंट दैट इज फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड दैट विल बी यूज. कैसे यूज करूंगा मैं बाद में तुम्हें समझाता हूँ. यहां मैंने क्या लिखा है? टू डिफरेंट रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड. नंबर वन, कौन कौन से दो रिएजेंट्स है जी? इसमें नंबर वन में यूज करूंगा फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, वो कहां से आएगा? वो आएगा जी यही फॉस्फोरस को और ब्रोमीन को अगर आपस में मिक्स कर दो तो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनता होता है. ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लिख दो, यहाँ पे भी 3 2 6 लिख दो. ठीक है, या तो इसको यूज कर लेंगे या फिर यहाँ पर एक और चीज है हमारे पास, दैट इज HBr यूज कर लेंगे. HBr यूज कर लेंगे. खैर, ये PCl3 कहाँ से बना, PBr3 कहाँ से बना, Pi3 कहाँ से बना? अगर आप इसको फॉलो नहीं भी करते ना तो मसला नहीं. अगर आप इस चीज को नहीं भी समझते कि सर ये क्या लिख रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं, तो इतनी बात काफी है कि Pi3 यूज करना है. अब ये बनेगा कैसे? ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये मैं क्यों पढ़ाऊं? ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यार. ये लो जी, इधर एक चीज, इधर दो चीजें यूज होंगी, और इधर इधर जो है पुत्र जी 4 चीजें यूज होंगी. 4 डिफरेंट रिएजेंट्स विल बी यूज. इनका आपने रटा लगाना है. क्या यूज होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास PCl3 भी यूज होगा, फिर आपके पास यहाँ पे PCl5 यूज होगा, फिर आपके पास यहाँ पे SOCl2 चीज यूज होगी, फिर आपके पास यहाँ पे HCl भी यूज होगा. अगर आप गौर करें तो इधर Pi3 है, इधर PBr3 है, उधर PCl3 है, तो सबसे कॉमन कौन है? इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH बाय X1 नेगेटिव. ये X1 नेगेटिव क्या होता है? R OH का अगर आप रिएक्शन करा दें PX3 के साथ, दैट इज PCl3 या फिर PBr3 या फिर Pi3, तो क्या होगा? एक चीज तो कंफर्म है कि सर जी R के साथ जाके X लगेगा, प्लस बाकी चीजें क्या बनेंगी वो बात की बात है. बाकी चीजें क्या बनेंगी वो बात की बात है. मैं बता देता हूं क्या बनेगा जी. H3PO3 बनेगा. बल्कि मैं जरा कंफर्म कर लूं, H3PO3 है कि H3PO4 है? दो सेकेंड बस रुकिएगा, कि इसके प्रोडक्ट में मैंने H3PO3 है जी, H3PO3 है जी जनाब, H3PO3. ठीक होगा. तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बेटा इन तीनों में से बेशक आप एक रिएजेंट यूज करें, दो करें, इन तीनों में कॉमन क्या है? इधर भी Pi3 यूज हो रहा है, इधर PBr3 यूज हो रहा है, और इधर PCl3 यूज हो रहा है. ये चीज तो तीनों की कॉमन है ना. तो मैंने क्या रिएक्शन लिख दिया? मैंने टॉप के ऊपर एक जनरल रिएक्शन लिख दिया कि अगर मैं ROH लूं, अल्कोहल लूं, उसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं, उसके अंदर मैं PX3 ऐड कर दूं, तो क्या होगा? R के साथ जाके क्या जुड़ेगा? R के साथ जाके X जुड़ेगा, R के साथ जाके X जुड़ेगा,
और आपके पास H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, ये तो मैं अभी मैं रिएक्शन लिखवाऊंगा, अभी बेटा मैं रिएक्शन लिखवाऊंगा, आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, ओके। जस्ट आप इतनी बात समझ लीजिए कि आपने कुछ रटा लगाना है। क्या आप डू गेट दिस रटा थिंग कि OH को हटाकर जब क्लोरो लगाना होगा, OH को हटाकर जब क्लोरो लगाना होगा तो हमें चार चीजें यूज करने की इजाजत है। OH को हटाकर जब BR लगाना होगा तो जस्ट दो चीजें यूज करने की इजाजत है। OH को हटाकर जब हमें आई लगाना होगा तो सिर्फ एक चीज यूज कर सकते हैं, जहां तक बैलेंस करने का ताल्लुक है। और ये उसका जो कॉमन रिएक्शन है जो तीनों कॉलम्स में है, ये वो रिएक्शन है जो तीनों कॉलम्स में मैंने लिखवाना है। दिस इज दैट रिएक्शन जो मैंने तीनों कॉलम्स में लिखवाना है। जी बाकियों के तो मैं चलो अलग अलग रिएक्शन लिखवाता हूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, सुनी का जरा गौर से, यहाँ पे मुझे एक ही रिएक्शन लिखवाना है ना। अगर मैं आई गॉट दिस, कौन सा वाला एथनॉलॉजी, कोई भी ले लें, कोई भी ले लें भाई, कोई भी ले लें, लाइक एथेनॉल लें जी। इधर मैं रिएक्शन लिखवाना जो कॉमन है तीनों में, जो तीनों का कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाकी रिएजेंट्स मैं बाद में यूज करता हूँ जी, प्लीज। बल्कि मैं ये भी मिटा रहा हूँ, इधर आप सिर्फ एक रिएक्शन लिखेंगे, इधर दो रिएक्शंस हैं, और उधर उधर क्या हो सकता है जी, तीन चार रिएक्शंस कराऊंगा इधर जी। व्हाट इज पहला रिएक्शन, पहला रिएक्शन इधर, इफ आई गॉट दिस CH3 CH2OH, प्लीज टेल मी इफ आई मेक इट्स रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? CH3 CH2I बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा, कोई मसला है तो हाथ खड़ा कर दो, यहाँ बैलेंस करने के लिए 3 लिख दो, दैट्स इट। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के हवाले से कुछ पूछना तो पूछ लो। यही रिएक्शन मैं यहाँ कराऊंगा। अगर मुझे CH3 CH2OH के साथ रिएक्शन कराना है PBr3 का, तो मैं क्या बनाऊंगा, CH3 CH2Br प्लस H3PO3। इसको भी क्या करो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, बैलेंस वैलेंस हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे रिएक्शन कराना है इस एथेनॉल का CH3 CH2OH का विद व्हाट, विद PCl3, ठीक है, जो ज्यादातर पेपर में आता होता है, दैट इज क्या होगा जी सर, CH3 CH2Cl बनेगा प्लस यहाँ पे भी H3PO3 बनेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने कोई मुख्तलिफ चीज लिखवाई क्या, मैंने कोई मुश्किल चीज लिखवाई जी? तो भाई इसमें किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा कीजिए। नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपको एक बात बताऊं, इधर मैंने कोई मजीद नो मोर रिएक्शंस, यहाँ क्या कराना है, इधर मैंने नो मोर रिएक्शंस करना है। असल में आयोडो बहुत लेस रिएक्टिव टाइप चीज होती है, इसलिए हम सिर्फ एक ही रिएजेंट यूज कर रहे हैं PI3। यहाँ पे मुझे एक और रिएक्शन भी कराना है, कौन से वाला, यहाँ कौन सा जी, एक और सर हमारे पास यहाँ पे ना एक और रिएक्शन, पता है कौन सा है, वो ये है कि आप क्या करें, CH3 CH2OH का रिएक्शन कराएं किसके साथ, इसका रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन के ब्रोमाइड के साथ, किसके साथ जी, हाइड्रोजन के ब्रोमाइड के साथ, तो क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एथेनॉल हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एथेनॉल प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हेलोजिन एल्केन आता है। जी बेटा फॉस्फोरस एसिड एंड हेलोजिन एल्केन, बिल्कुल ठीक है। प्लस अगर मैं दूसरा रिएजेंट क्या लिखवा रहा था यहाँ पे कि HBr यूज होगा, तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे वो CH3 CH2 Br प्लस क्या, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा।
किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी हो जाएगा सर। इसका इसका सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन है। हाँ ये रटा ही एक तरह से, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन है। इसके एक और ये दो रिएक्शंस हैं। इसके एक ये वाला है, एक ये जो भी आपने एच बी आर टाइप किया उसको कराता हूँ, और फिर इसके दो और हैं सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस क्या प्लस एच सी एल। अगर आप इसके अंदर कहीं से ला के डालेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एल बनेगा और प्लस एच टू ओ बनेगा। किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। जी इसमें ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड के गैस के साथ रिएक्शन कराना, इधर भी आपने हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस के साथ रिएक्शन कराना, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कराना आपने। ये अभी हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस कहाँ से आएगी वो तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पता होगा, वो तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होगा कि HCl गैस कहाँ से पैदा होती है। और याद है NaCl को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालते थे, क्या होता था एक NaHSO4 बनता होता था प्लस HCl बनता होता था, तो HCl के वेपर्स निकलते थे मिस्टी फ्यूम्स। याद है, याद है मिस्टी फ्यूम्स निकलते थे। खैर बहरहाल जो भी है, मुझे इसकी डिटेल, मुझे इसकी इनऑर्गेनिक में नहीं जाना, मुझे इसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझानी, वो सवाल वाला लिंक करेगा। उसका सिर्फ एक रिएक्शन था, नो मोर रिएक्शंस। इसके सिर्फ दो रिएक्शंस थे और आगे क्या है नो मोर रिएक्शंस। इसके बारे में क्या ख्याल है? इधर मैंने कहा था चार रिएजेंट्स यूज होंगे सर, सिर्फ PCl3 या HCl नहीं यूज होगा। अब यहाँ पे PCl5 भी यूज हो सकता है और देर इज दिस SOCl2 वो भी यूज हो सकता है। ऊपर वाली की तो बैलेंसिंग होगी, दिस इज द सेकेंड वन। नाउ आपकी इतला के लिए कि देर इज अ थर्ड वन इज वेल, बट इज द थर्ड रिएक्शन, राइट डाउन द थर्ड रिएक्शन। इट इज सर जी सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है क्या डाल जाए, देर इज दिस PCl5, वट डू यू थिंक क्या फॉर्म होगा, वही सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस टू डिफरेंट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड प्लस क्या फॉर्म होगा जी HCl प्लस HCl एंड क्या एंड POCl3। अब ये भी रटा ही है POCl3। जी भाई वन मोर क्या जी, इसके चार रिएजेंट्स यूज हो सकते थे, चौथा रिएक्शन क्या कराऊंगा CH3CH2। जी तो भाई यहाँ तक किसी को मसला है? हाँ जी यहाँ पर क्या होगा प्लस HCl प्लस SO2। जी जनाब आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि मैकेनिज्म कोई नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ ये पढ़ा रहा हूँ कि अल्कोहल का सबसे पहला रिएक्शन कौन सा था। अल्कोहल का सबसे पहला रिएक्शन है सर कौन सा जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो जाता है, इसके OH को हटा दिया जाता है। कौन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH होती है बाय व्हाट, बाय X1 नेगेटिव। X1 नेगेटिव क्या है, X1 नेगेटिव कैन बी क्लोराइड, इट कैन बी ब्रोमाइड, इट कैन बी आयोडाइड, क्लोरो ब्रोमो आयडो तीनों रिप्लेस कर सकते हैं। आयडो ने सिर्फ एक रिएजेंट यूज करना है, कौन से वाला आपको रटा इस बात, असल में रिएक्शन की बैलेंसिंग का रटा लगे ना लगे ये रटा जरूरी है। आयोडाइड में सिर्फ फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, ब्रोमाइड वाले में या तो PBr3 यूज हो सकता है या फिर HBr भी यूज हो सकता है, लेकिन क्लोरो के केस में सिर्फ PCl3 नहीं HCl भी PCl5 भी SOCl2 एक और कंपाउंड है वो भी यूज हो सकता है। बैलेंसिंग को देखें, इधर भी क्या हुआ, इधर भी एक क्लोरोइथेन 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 क्लोरोइथेन, ठीक है, यहाँ ब्रोमोइथेन ब्रोमोइथेन, यहाँ आइडोइथेन,
जो पहले वाला कॉमन था, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, इधर ब्रोमन तो एच, इधर का ओ एच, उधर का वाटर, एच इधर का, एच उधर का वाटर, हाँ पीसीएल फाइव होगा या एस ओ सी एल टू होगा, तो क्या होगा एच सी एल, एच सी एल, यानी यहाँ पे क्या जी पी ओ सी एल थ्री एस ओ सी एल टू, जो भी है भाई जो भी है, रटा मारो, फुल रटा, फुल रटा चाहिए, मैं आपको रटा लगाने में हेल्प करता हूं थोड़ी सी। सुनिए क्या रिएक्शन चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओएच, देखो मैं तो आपको हेल्प नहीं कर रहा साथ साथ रटा लगाने में, कि सर क्लोरो के लिए चार चीजें होंगी, ब्रोमो के लिए दो चीजें होंगी, आयोडो के लिए एक चीज होगी, ये तो रट गया ना, एक साइंस है ना, एक ट्रेंड बन गया, क्लोरो के लिए चार रिएजेंट्स, क्लोरो के चार रिएक्शंस, ब्रोमो के दो रिएक्शंस, आयोडो का एक रिएक्शन, सीन है कि नहीं, ओके। सबसे पहले, सबसे पहले जो सब में होगा, जो सब में होगा वो होगा पीसीएल थ्री पीबीआर थ्री, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेम टू यू, पीसीएल थ्री पीबीआर थ्री पीआई थ्री। ओ भाई, ओ मेरे भाई, हाथ बांधता हूं, वो क्या पूछेगा, वो जब पेपर आएगा तो आपको वर्कशीट मिलेगी तो पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा ना, अभी जो जितना मैं समझा रहा हूँ उसको याद कर लोगे, मेहरबानी करोगे, मैं मुझे तो 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, जितनी आपकी उम्र है ना उससे ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ। आप ये क्या सवाल पूछोगे, सर मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो सवाल कैसा पूछेगा, आपको किसने समझाया है कि वो सवाल कैसा पूछेगा, मैं जो समझा रहा हूं, मैं जो आपके दिल दिमाग में उतार रहा हूं एग्जैक्टली ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। तो प्लीज जैसे पढ़ा रहा हूं उसको वैसे ही याद करिए, मुझे दुख होता है इस बात को कहते हुए कि रटा मारे, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है, यकीन जानिए, लेकिन मैं क्या करूं कि उसने सवाल में यही पूछना है कि OH को हटाकर मैं CL कैसे लगाऊं, नीचे लिख देगा चार ऑप्शंस, चारों में से कोई एक आधी ऑप्शन ठीक होगी, बाकी चार ब्लंडर होंगे, वो कहेगा जी मैंने OH को हटाकर आयोडो लगाया था, बताओ क्या मैं PI5 यूज कर सकता हूं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा ना सवाल कैसे, पहले बुनियादी बात तो पहले पढ़ जाए, वर्कशीट भी मिल जाएगी, पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, सो प्लीज बुनियादी बात को इधर पल्ले में डालिए, OH को हटाकर CL लगाना है, फोर रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड, OH को हटाकर VR लगाना है, टू रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड, OH को, जब मेरे दिमाग में जिस तरह से मुझे चीजें याद है मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफर करूं वो नॉलेज आपके दिमाग में, आप भी उसी तरीके से याद कर लेंगे तो कुछ भी सवाल आएगा तो जवाब दे देंगे। साथ साथ हम रिएक्शन भी लिख रहे हैं, जहां जहां बैलेंसिंग की जरूरत है मैंने वहां ऊपर वाले में बैलेंसिंग भी करवा दी है, बाकी किसी में तो बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब में वो 1111111 ही आ रहा है, ठीक है। सो मैंने ऊपर आपको यहां पे कॉमन रिएक्शन भी लिखवा दिया, यार ये असल रिएक्शन ये याद कर लो, चलो और कुछ याद होता है कि नहीं होता, और कुछ याद होता है कि नहीं होता, मुझे उम्मीद है ये तो याद हो ही जाएगा ना, कि अल्कोहल लेंगे सर उसमें क्या डाल देंगे, पी एक्स थ्री, एक्स थ्री मतलब इट कैन बी पीसीएल थ्री, इट कैन बी पीबीआर थ्री, इट कैन बी पीआई थ्री, ये तो सर सबका कॉमन रिएक्शन है, क्या होगा आर के साथ एक्स बनेगा प्लस एच थ्री पी ओ थ्री बनेगा, जी एनी प्रॉब्लम्स विद दिस, जी बच्चों याद कर लोगे, अच्छा अब मुझे लगता है कि मैंने चूंकि आपको इसकी सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दी है तो मुझे लगता है मुझे सब्स्टिट्यूशन के साथ ही ये पढ़ानी चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज काफी हद तक मिलता जुलता है, हैं? पहले एक करा दूं, सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज काफी हद तक मिलता जुलता है, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं,
मुझे आप लोगों से सवाल पूछना है। क्या आपके पास कोई सवाल है, इस बात में कोई परेशानी है? नहीं ना? ओके ओके जी, मैं अगले पेज पे जाता हूँ। सर इसके मैकेनिज्म सिलेबस में है? नहीं। और अगर मैकेनिज्म पूछा भी तो कौन सा वाला मैकेनिज्म लिखोगे बताओ? या अगर उसने इसमें से किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछ लिया तो आप किस तरह से मैकेनिज्म डिजाइन करोगे? यस, वो जो आपने नहीं कल परसों उसका पढ़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ वही वाली मैकेनिज्म इधर उठा देना, उसी तरह का मैकेनिज्म इधर फिट कर देना, ठीक है? विल इट बी SN1 और SN2? वंस अगेन इट विल डिपेंड कि वो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है कि टर्शियरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि कैसा है। अगर वो अल्कोहल क्या बोलते हैं टर्शियरी हुआ तो SN1 मैकेनिज्म होगा, और अगर वो अल्कोहल प्राइमरी हुआ तो SN2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है? बल्कि काम करो, अगला रिएक्शन लिखने से पहले एक नोट लिखो, एक नोट लिखो जी, इसी के नीचे लिखो प्राइमरी अल्कोहल्स, व्हाट डिड यू से? प्राइमरी अल्कोहल्स क्या करेंगे भैया? प्राइमरी अल्कोहल्स मैकेनिज्म, वेयर एज सेकेंडरी अल्कोहल्स undergo क्या? SN1 mechanism, sorry secondary नहीं, कौन सा जी? tertiary, whereas tertiary alcohol undergo SN1 mechanism। अच्छा वैसे फिर यहाँ पे एक सवाल बनता है, यहाँ पे फिर एक सवाल, सर ये secondary वाले क्या करते होंगे? हैं secondary वाले जो हैं वो SN1 भी कर सकते हैं और SN2 भी कर सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में सेकेंडरी वाले क्या करेंगे? लिखता हूं, देखो जी, सेकेंडरी, ये अलग से वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं लेकिन वैसे लिख पा रहा हूं, सेकेंडरी अल्कोहल्स अंडरगो SN1 मैकेनिज्म in the presence of a polar solvent। यही जुमला हेलोजिनो अल्केन पे भी फिट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स अंडरगो SN1 मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट। एक काम करेंगे आप जरा वो SN1 मैकेनिज्म को देखेंगे, उसके पहले स्टेप को जाके देखेंगे में हीट की मौजूदगी में और पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में देख ले SN2 मैकेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट। अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए ये वाली है। जी तो भाई में कोई मसला है तो प्लीज बता दो। जी भाई आगे चलो प्लीज। बच्चों को सवाल पूछना है
ओके सो यह ध्यान दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है ऑफ ओएच की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओएच बाय बाय व्हाट, बाय एक्स वन नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओएच नेगेटिव बाय एक्स नेगेटिव में क्या हुआ जी के ओएच को हटाकर बॉन्ड, वैसे हमने कहां से तोड़ा है ओएच को हटाकर बॉन्ड, हमने कहां से तोड़ा है, देखिए जब हम ओएच हटाते हैं तो बॉन्ड हम ये वाला तोड़ते हैं, व्हाट इफ मैं बॉन्ड ये वाला तोड़ूं, दो ऑप्शंस हो सकते हैं ना, जब आपने पूरे का पूरा ओएच हटाया, जब आपने पूरे का पूरा ओएच हटाया तो आपने एक चीज पे गौर किए कि उसको हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला है, लेकिन अगर मैं कहूं जी मैंने ओर एच का ये वाला बॉन्ड तोड़ना है तो मैं क्या कराऊंगा, तो मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराऊंगा, तो इट मींस दूसरे नंबर पर मेरे पास आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लीज हेडिंग देंगे अगले पेज पे जाकर, क्या जी सेकेंड रिएक्शन इज, यहां था जी पहला रिएक्शन वॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा रिएक्शन सुनिए डिस्प्लेसमेंट displacement of what, displacement of hydrogen, ठीक है displacement of hydrogen of alcohol by what, displacement of hydrogen of alcohol by metals, by reactive metals, by reactive metals, no it is not known as dehydrogenation, no, isko main bilkul yun samjhiye, isko main kya kahunga displacement of hydrogen of alcohol by reactive metals mein kya karunga, it is similar to, suniye ga please, similar to the displacement of hydrogen of water by reactive metals। मुझे वैसे एक बात बताएंगे ये कौन से रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, किंग, नेपच्यून, लाइकली कैन, याद आ रहा है जो पहले चार थे रिएक्टिविटी सीरीज के, जो सबसे टॉप के चार हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, जो सबसे टॉप पे जो ओलर्स की रिएक्टिविटी सीरीज, किंग, नेपच्यून, लाइकली कैन, मेक ऑल के, लजील, फिशरमैन वाली, उसमें सबसे फोर टॉप के होते हैं, दे कुड रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यू रिमेंबर दैट, दे कुड रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही क्या होगा, जो किंग, नेपच्यून, लाइकली कैन जो है, ये चार कौन है, ये जो चार हैं रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे विल बी डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, दे विल बी डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ क्या, हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल, जैसे वो बाय मेटल्स, याद है वाटर प्लस मेटल्स में मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एसिड प्लस मेटल में मेटल, नहीं वाटर प्लस मेटल्स में तो था मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहां मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यहां देखते हैं क्या चीज बनेगी, यहां देखते हैं क्या चीज बनेगी, तो जरा सुनिएगा प्लीज, इस रिएक्शन को कराओ जी, इस रिएक्शन को कराओ जी बाय व्हाट, मैं अगर कहूं आर ओ और एच प्लस करा दें किसी मेटल से रिएक्शन, क्या होगा, आर ओ नेगेटिव हो जाएगा, मेटल पॉजिटिव हो जाएगा, बीच में एनिक बॉन्डिंग हो जाएगी, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसका नाम क्या रखेंगे आप, मेटल क्या चीज, मेटल एल्कोक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड नाम क्या होगा, मेटल एल्क
ऑक्साइड, ये हो गया एल्क, ये हो गया ऑक्साइड, और मेटल का नाम पहले बताते होते हैं, मेटल एल्कोक्साइड। मसलन अगर मैं कहूं CH3 CH2OH, दिस इज क्या सर? दिस इज एथेनॉल, किसका रिएक्शन कराएं जी? सोडियम के साथ। क्या होगा? बनेगा जी आपका CH3 CH2O के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर एज जिस तरह डिस्प्लेसमेंट होती है। नाम इसका क्या होगा? सोडियम एथ ऑक्साइड, सोडियम एथ ऑक्साइड, ठीक है? सो सोडियम एथ ऑक्साइड आपके पास बनेगी। एक सेकेंड, जी भाई, एक आयनिक कंपाउंड आपके पास बनेगा, एथेनॉल प्लस सोडियम विल गिव यू सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई मसला यार? ये तो वैसे ही ओ लेवल्स की तरह का रिएक्शन नहीं है, ये तो वैसे ही ओ लेवल्स की तरह का रिएक्शन नहीं है। जैसे पानी अगर ये, अगर देखो ना, अगर ये होता HOH प्लस मेटल वाटर वाला होता, ये क्या होता? मेटल हाइड्रोक्साइड। कुछ याद आ रहा है या नहीं? अगर पानी के साथ रिएक्शन कराओ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ क्या मेटल एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर तो मैं आपको यहाँ पे कोई मेटल्स वाला रिएक्शन याद कराऊं वाटर के साथ, तो सोडियम प्लस HOH में क्या बनता था? अगर आप HOH की बात करें, लाइक वाटर की बात करें प्लस सोडियम, तो लेट मी टेल यू, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता था प्लस हाइड्रोजन गैस। याद है कि नहीं? इट वाज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं है ये, कौन है? एल्क, दो कार्बन एथ ऑक्साइड। कोई मसला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम, जी सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। मैंने आपको कहा था ना, मैंने मैकेनिज्म्स नहीं पढ़ाने, मैं बस रिएक्शंस को पिछले किसी से, ये कुछ खास समझ नहीं आया बेटा। क्या समझ नहीं आया? क्या समझ आ रहा? अब्दुल्ला जी बताओ, अब्दुल्ला शाहिद, क्या करेंगे? आस्क टू अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने कहा सर कुछ खास समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? सर ये हाइड्रोजन उधर से कैसे आ गया सर? आप मुझे ये वाला रिएक्शन समझाएंगे? सर इसमें बोलो वो, जी सर, बोलो उसका रिएक्शन समझाएंगे। सर इसमें सो मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सर वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बन रहा है। वो सॉल्ट तो नहीं, वो सॉरी सर वो अल्कलीन सॉल्यूशन बन रही है। ठीक है, आप इस रिएक्शन को समझाएं, हुआ क्या है, किसने किसको क्या किया? सर ये सोडियम ने डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है अच्छा, तो पीछे क्या बन गया? सर, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। पुत्र मैं 99.9% यही बात कर रहा हूं कि सोडियम ने, इस मेटल ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को, बोलो तो पीछे क्या बना? सर वो मेटल एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन। तो मैं और क्या कह रहा हूं, ये तो वही ओ लेवल वाली बात है, हैं? ठीक जी सर, है, हाँ जी, ये ठीक से ठीक है। हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। सो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि सोडियम ने जिस तरह पानी में से हाइड्रोजन को हटाया था, उसी तरह सोडियम ने
यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया है और सोडियम एल्कोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस हो गई है जी, हाइड्रोजन गैस हो गई। चलो जी ठीक हो गया जी। सो मुझे उम्मीद है इस बात में किसी को परेशानी नहीं होगी। हाँ वो जो अहमद आप पूछ रहे हो ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होता था जी। वो एक बच्चा कह रहा है सर इस तरह का रिएक्शन हमने सोडियम प्लस एथेनोइक एसिड में भी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल मैं एथेनोइक एसिड में पढ़ाऊंगा, सोडियम इथेनोएट बनेगा तब जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, लेकिन वो मैं रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तब भी मैं यही एग्जांपल दूंगा आपको, ये वाली कि देखो ना वो, ठीक है अहमद सर, ये ऑक्सीजन एंड सोडियम के ऊपर जो आयन की ऑक्सीडेशन लिखी है जरूरी है? हाँ, आयनिक कंपाउंड्स में, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वैसे तो हम कभी भी प्लस माइनस, मतलब ज्यादातर कंपाउंड्स 99% कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं? 99% कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। कोई 1% कंपाउंड जब आयनिक हो तो हमें मेंशन करना पड़ता है कि यह आयनिक है। मलाइका ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव लिखा है और सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव लिखा है जरूरी है मेंशन करना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स की रवायत नहीं है, आयनिक सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रवायत नहीं है आयनिक होना। ये एक्सेप्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आयनिक हो गए हैं, तो हमें मेंशन करना है कि कहां पे माइनस है, कहां पे प्लस है, कहां से आयनिक है। ठीक है बच्चों, किसी के पास कोई सवाल है? सवाल पूछेंगे बच्चों? ओके जी, दूसरा शुगल भी गया, दूसरा भी गया। ओके जी, थर्ड पे चलूं? हैं, थर्ड कौन सा कराऊं? मैंने सब्स्टिट्यूशन करा दी, मैंने डिस्प्लेसमेंट करा दी जी, इसकी तरह देखते हैं एलिमिनेशन। कल जो आपने हेलोजिन एल्केन में से एलिमिनेट किया था, आज हम उसी तरह ये अल्कोहल में से कुछ एलिमिनेट करके सिखाते हैं आपको, या हम आपको उसी तरह इसमें से एलिमिनेट करके सिखाते हैं आपको। हेडिंग देंगे जी एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन नंबर 3। मैंने इसलिए आज ये सोचा है सारा खत्म करने का, क्योंकि मुझे या तो हो ना कोई नई चीज पढ़ानी हो तो जिसमें मुझे टाइम लगे तो मैं इसलिए रुक भी जाऊं, मुझे जब पिछले वाले से रिलेट करना तो मैं खिंची जाऊंगा। रिएक्शन कौन सा जी? एलिमिनेशन रिएक्शन, पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर थी डिस्प्लेसमेंट, और अब करा रहा हूं एलिमिनेशन ऑफ क्या, क्या चीज एलिमिनेट हो रही है, क्या चीज एलिमिनेट हो रही है? एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स दैट इज क्या, दैट इज डिहाइड्रेशन। क्या कराना है भाई? मैंने आपको भी डिहाइड्रेशन पढ़ानी है। हाँ जी, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। एलिमिनेशन पानी की कैसे निकलेगी? असल में बिल्कुल वही सीन होगा जो कल सीन हुआ था, एक कार्बन से X निकला, साथ वाले कार्बन से H निकला। यहां पर भी क्या होगा, एक कार्बन से OH निकलेगा और साथ वाले कार्बन से क्या होगा, हाँ जी, वाटर कैसे एलिमिनेट होगा? इट इज द बल्कि लिखने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा मुझे इसका रीजन बता दो। रीजंस आर या कंडीशंस आर, कल कोई कंडीशन थी? हाँ थी, अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल किया था हेलोजिनो अल्केन में से एलिमिनेशन करने के लिए, क्या इस्तेमाल किया गया था? अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल किया गया था। अभी मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, अभी रटा है, बड़े जोर का रटा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करूंगा, बॉयल अंडर रिफ्लक्स करूंगा और 170 डिग्री का टेम्परेचर इस्तेमाल करूंगा। एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल्स और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स using concentrated
सल्फ्यूरिक एसिड, हीट अंडर रिफ्लक्स एट 170 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होगा जरा देखिएगा जी, क्या होगा, क्या होगा जी. मैं अगर सबसे पहले एग्जांपल लूं एथेनॉल वाली, सबसे पहले एग्जांपल लूं एथेनॉल वाली, किधर जी, 1 2 3 1 2 3 एलिमिनेशन कराओ भैया, कराइए जी. एक सेकंड रुकिएगा प्लीज. एक सेकेंड, देर इज वन मोर. उसने एक और चीज भी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज किया है. यूजिंग दिस 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 हीट एंड रिफ्लक्स एट 170 डिग्री सेल्सियस. और क्या, और यस, और जस्ट क्या जी, और क्या करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लें और हीट भी करें और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट और यूजिंग Al2O3 को यूज करिए और उसको थोड़ा सा हीट भी करिए Al2O3 एंड हीट एल्यूमिना. यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्ट. कहते दोनों में से कुछ भी यूज कर लें, दोनों में से कुछ भी यूज कर लें. अब ये तो आपने रटा मारना है कि हमने कौन सी कंडीशन यूज करनी है. मेरा इस वक्त मकसद है आपको रिएक्शन सिखाना. इफ देर आर टू कार्बन, नॉट हीट अंडर रिफ्लक्स, लिखते हैं जी हीट अंडर रिफ्लक्स ही लिखे, बंद करके हीट करते हैं, बंद करके ही हीट करते हैं. देर इज दिस टू कार्बन, इफ आई से देर इज दिस ओ एच, देर इज एच 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 एन एच. इफ यू यूज वॉट, इफ यू यूज या तो concentrated sulfuric acid and heat under reflux at 176 degree celsius, so you know what will happen. ye wala h aur oh yahan se milkar judkar nikal jayenge, plus h2o, do carbon reh jayenge. ye jo do ji, ab ye kya karenge जी, ये ओ लवर्स वाली है. अगर आपने ओ लवर्स में डिहाइड्रेशन पढ़ी है बच्चों, प्लीज बताइए आपने ओ लवर्स में डिहाइड्रेशन पढ़ी, आपने ओ लवर्स में अल्कोहल में से ये एलिमिनेशन पढ़ी? नो, नो सर, नहीं पढ़ी. चलो अगर किसी ने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो हल्का फुल्का, पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई कुछ टीचर्स ने पढ़ाते हैं. मैंने एडिक्सल को तो नहीं पढ़ाई, लेकिन जीसी या आईजी वालों को पढ़ाई होगी. मैंने जीसी, मैंने पिछले साल जो एडेक्सल वाले हैं उनको तो नहीं पढ़ाया रिएक्शन, लेकिन आईजी या जीसी वालों को एक्स्ट्रा क्लास में कहीं कोई एक आधी चीज पढ़ाई होगी. एक्सपेक्टेड वाली आवाम कह रही है नहीं पढ़ाया. ओके, यूज दिस एज अ कैटलिस्ट और एल्यूमिना Al2O3 एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, यूज दिस एज कैटलिस्ट. चलो एक काम करो, ये जो सिंगल बॉन्ड ऊपर है सर, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है. आप अभी आपस में क्या कर लेंगे सर जी, ये डबल बॉन्ड बना लेंगे जी. ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, जब यहां से हाइड्रोजन निकला और यहां से जब OH निकला, तो व्हाट हैपेंड, पानी बन गया, ये बॉन्ड खाली हो गया. इस बॉन्ड ने खाली रहने की बजाय इसने अपना बॉन्ड इधर कर लिया, इसने अपना बॉन्ड इधर कर लिया, तो इन दोनों ने इधर एक डबल बॉन्ड बना दी. किसी को मसले? चलो आपने ओ लवर्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मेरा अगला सवाल सुनो. ओ लवर्स को छोड़ के सवाल सुनो, ये तो मैंने पढ़ा, इसका उल्टा तो मैंने पढ़ा है. ये आपने फॉरवर्ड नहीं पढ़ा, आपने इसका रिवर्स रिएक्शन तो पढ़ा होगा. जरा ये रिएक्शन याद करो, इथीन में पानी डालें जी, इथीन के रिएक्शन पे जाओ. हाँ जी, तेरी एक्स्ट्रा कार्बन कहां से आ गई, सॉरी जी हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन है. ओके ओके ओके, जरा यार मुझे एक बात बताओ, आपने कुछ दिन पहले ये पढ़ा होगा,
क्या कंडीशन थी, पता नहीं कोई फॉस्फोरिक एसिड डाला था, 300 डिग्री टेम्परेचर रखा था, पता नहीं कोई 50 से 60 एटीएम प्रेशर था, याद है? याद है? फिर सी डबल बॉन्ड सी क्या हो गया था, एक एच इधर ऐड हो गया था, ओ एच इधर ऐड हो गया था, याद आ रहा है? तो अगर आप फॉस्फोरिक एसिड की मौजूदगी में 300 डिग्री पे 60 टू 70 एटीएम था, चलो चलो ठीक है गलती हो गई भाई, 60 टू 70 एटीएम प्रेशर था, 300 डिग्री टेम्परेचर था, फॉस्फोरिक एसिड सॉलिडिफाई हो चुका था और आपने जब ये कराया था तो ये सारा कुछ हुआ था। अब अगर आप उसी मिक्सचर में, मिसाल के तौर पर इसी मिक्सचर में जो आपका नीचे वाला मिक्सचर है, इस मिक्सचर को अगर आप फॉस्फोरिक एसिड हटाकर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें और इसको थोड़ा सा हीट अंडर रिफ्लक्स करें और टेम्परेचर को 60 से 70 एटीएम की बजाय 1 to 2 एटीएम करें, टेम्परेचर को 170 पे लेके जाएं, तो क्या होगा? ऊपर वाला रिएक्शन होगा। तो ये किसी का रिवर्स है, ये किसी का, इस वाले रिएक्शन का ये रिवर्स रिएक्शन था, ये आप यूं समझ लो। ये आपका सारी उसी तरह जैसे आपने हैलोजिन एल्केन की एलिमिनेशन कराई है, ये ऑलमोस्ट उसी तरह की एलिमिनेशन है, ये ऑलमोस्ट उसी तरह की एलिमिनेशन है। जी कोई मसला तो हाथ खड़ा कर दे। ओके एक और एग्जांपल कराता हूँ, एक और एग्जांपल कराओ जी, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल की कराओ, जिसमें वो मैंने दो या तीन पता नहीं आइसोमर्स बनाने होते हैं, 1, 2, 3, 4। जी पुत्र जी, यही ऊपर वाली कंडीशंस रखें या ऊपर वाला रखें या नीचे वाला रखें, मुझे एक बात बताएं, व्हाट डू यू थिंक क्या बनेगा? ये जो OH है कहां से निकल सकता, OH तो यहीं से निकलेगा, या तो H अगर इधर से निकल गया तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, तो डबल बॉन्ड किधर आएगा? CH3 H H, ये भाई बताएंगे, अगर H और OH इधर से निकला तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ओके? या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है, और 2, 3, 4 H और OH जो है पता कौन सा वाला निकले, अगर मैं कहूँ ये वाला निकलेगा तो क्या होगा? 1, 2, 3 1H, 2H इधर एच, हाँ जी, अब डबल बॉन्ड किधर बनेगा? अगर ये वाला निकला तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा, ठीक है, और प्लस क्या, प्लस सर वो वाटर तो बनेगा, प्लस H2O तो बनेगा, इसके किसके दो आइसोमर्स हैं, ये कौन सा वाला है? दिस इज ब्यूट 2-ene, this is butte 1-ene, exactly वही चीज नहीं है, इसका वो cis भी बन सकता है and cis and trans भी बन सकता है, जी, so yes 3 isomers बनेंगे, मुझे तो लगता है मैंने exactly वही चीज लिखवा दी, मुझे तो लगता है कि मैंने exactly वही चीज लिखवा दी है, जी, तो बच्चों बताएंगे किसी को इस रिएक्शन में मसला है? ओके जी, सो क्या हुआ जी, गौर करिए, सर जी गौर कर लिया, किस बात पे गौर किया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ रिएजेंट्स का फर्क है, कॉन्सेप्ट वही है जो हैलोजिन एल्केन में था, एलिमिनेशन सिर्फ रिएजेंट का फर्क है, कॉन्सेप्ट वही है जो हैलोजिन एल्केन में था, डिस्प्लेसमेंट वही रिएक्शन है जैसे पानी का था, क्या करूं आप चौथे नंबर पर, क्या कराऊं जी, चौथे नंबर पर जाओ जी, ये नहीं ऑक्सीडेशन, लो जी चौथे नंबर पे जाएंगे, कौन सा रिएक्शन है भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या,
क्या चीज, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, जी भाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स. Could you change to the elimination वाली स्लाइड, ये लें. जी हो चुका. सिस ब्यूट टू इन अहमद जफर, क्यों इसके दो आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्या? जी अहमद, आपने ऐसा क्यों कहा कि इट विल जस्ट बी सिस, इट विल नॉट बी एच एंड ओ एच विल बी एट द सेम प्लेस. दो सेकंड के लिए खुद को अनम्यूट करेंगे, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही. M-A-T, Ahmed Zafar. Ji, Putar ji, unmute yourself. Mera mic nahi hai. Yaar, mic ka bandobast karna bhai. Ab, mujhe nahi samjhao zara kya keh rahe ho. Samjhao kya keh rahe ho. Because H and OH will be at the same place. Dekho, main bas ye kehna chahta hoon ki past papers mein ek sawal aaya hua hai kahin. Theek hai? Past papers mein ek sawal aaya hua hai. कि यार इसमें H इधर से निकलेगा, ओ एच उधर से निकलेगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, या फिर H इधर से निकलेगा, ओ एच उधर से निकलेगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा. वो कहते हैं यार कितने किस्म के आइसोमर्स बन सकते हैं, कितने आइसोमर्स इसके ब्यूट वन इन के एग्जिस्ट करते हैं. ब्यूट वन इन भी होता है, ब्यूट टू इन भी होता है, सिस ब्यूट टू इन भी होता है, ट्रांस ब्यूट टू इन भी होता है. ठीक है? नहीं 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 ऐसे नहीं. एच एंड ओएच विल बी एडजेसेंट. नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस. ये कोई सीधी सीधी चेन थोड़ी है, थ्री डायमेंशनल है यार. अहमद अहमद, ये कोई सीधे सीधे तो नहीं है, ये तो थ्री डायमेंशनल होते हैं. यूं ओएच उधर होगा, एच उधर होगा, पता नहीं कहीं थ्री डी में एक तरफ से एच और दूसरी तरफ से ओएच निकलेगा. ये आपको नजर सीधे आ रहे हैं, इतने सीधे हैं नहीं. दे आर थ्री डायमेंशनल. 109.5 डिग्री का एंगल है, टेट्राहेड्रल है. तो इस कार्बन का OH वाला इधर वाला निकले, साथ वाले कार्बन का OH उस साइड वाला निकल जाए, उस साइड वाला निकल जाए. Ahmed, you get this? Do you get this? Do you get this? Do you get this? Oh yes sir. Okay. So आपका सवाल खत्म हो जाता है मेरे ख्याल से फिर. चलो जी. So हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल चौथे नंबर पे आके जी, चौथे नंबर पर आ गए. इसकी इसका रेफरेंस कहाँ है? इसका रेफरेंस ओ लेवल्स में भी है, इसका रेफरेंस आपके अल्कीन्स में भी है. जब आपने अल्कीन की पार्शियल ऑक्सीडेशन कराई थी, जब आपने अल्कीन की पार्शियल नहीं माइल्ड ऑक्सीडेशन कराई थी तो क्या बना था? डायोल बना था. आपने उसी चीज की, उसी अल्कीन की जब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराई, लाइक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के MnO4 डाला, तो क्या हुआ? तो कंपाउंड कहीं से टूट छूट सा गया था. जिस कार्बन पे दो हाइड्रोजन थे, वो कोई पता नहीं CO2 प्लस वाटर बन गया. जिस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था वो पता नहीं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. जिस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं था वो पता नहीं कोई क्या बोलते हैं, कीटोन टाइप चीज. याद आ रहा है? ओके, अभी भी मैं वैसे ही कराऊंगा, लेकिन नॉट एग्जैक्टली दैट वे. थोड़ा सा डिफरेंस क्या लिखवाऊंगा, सुनिए. मैं कहता हूं द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, वैसे ऑक्सीडेशन होती क्या है? रिएक्शन विद, ये कौन है? अगर मैं कहूं ऑक्सीडेशन का मतलब है रिएक्शन विद ओ, तो ये ओ क्या चीज है? एटॉमिक ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय, दैट इज गिवन बाय
बाय व्हाट? बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. कौन सा वाले? एसिडिफाइड के एम एन ओ फोर और एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन. ठीक है. अच्छा जी, सुनो जी, हम ये कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन जब हम कराएंगे, रिएक्शन विद एटॉमिक ऑक्सीजन कराएंगे, दैट इज गिवन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन, सुनो जी, द प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन कि जिस कार्बन पे OH लगा है, जिस कार्बन पे OH लगा है उसकी नेचर क्या है. द प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल. नेचर ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल की नेचर जो है वो तीन तरह की है. सबसे पहले क्या जी, सबसे पहले क्या, या तो मैं कहूं जी कोई प्राइमरी अल्कोहल होगा तो कुछ और होगा, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कुछ और होगा, तीसरे नंबर पे टर्शरी अल्कोहल होगा तो कुछ और होगा. जी मुझे आपको सबसे पहले किसके बारे में समझाना है? प्राइमरी अल्कोहल. पहले तो ये बताना है प्राइमरी अल्कोहल होता क्या है. बच्चों पहले तो ये बताइए प्राइमरी अल्कोहल होता क्या होगा. जिस कार्बन पे OH लगा है उस कार्बन पे क्या लगाना चाहिए? कम से कम दो हाइड्रोजन होने चाहिए, या बेशक जो मर्जी हो जाए. सेकेंडरी वाले में जिस कार्बन पे OH लगा है उसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन तो जरूर होना चाहिए. इधर आर हो जाए, इधर आर डैश हो जाए. तो टर्शरी वाला है उधर जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके साथ क्या होगा? सर इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा, इधर आर डैश होगा, इधर आर डबल डैश होगा. ठीक है, ये तो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल पहले नहीं सिखाए थे, ये तो मैंने आपको SN1 में भी सिखाया था. प्राइमरी का मतलब, सेकेंडरी का मतलब और टर्शरी का मतलब तो मैंने आपको SN1 में भी सिखाया था. हाँ जी या नहीं सिखाया था ना? थोड़ा सा आपको खुश करो. नो ऑक्सीडेशन, इससे तो जान छुड़ाऊं कि सर टर्शरी अल्कोहल की तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होती. टर्शरी अल्कोहल की तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होती. मजा आ गया. ओके जी आज मैंने आपको मजा पहले दे दिया ताकि अगला कोई रिएक्शन सुन ले कम से कम. अच्छा, दिल जीत लिया. ओके जी दिल जीत लिया जी. तीन तरह के अल्कोहल होते हैं, तीन तरह के अल्कोहल होते हैं, या प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी. आज मैं हार्ड टू इजी नहीं, आज मेरा मूड है इजी टू हार्ड जाने का. आज इजी टू हार्ड जाते हैं जी. ठीक है ओके. ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है यहां पर क्या होगा पता है इसको ना, इसको एग्जैक्टली वो डायोल के साथ ना मिलाइएगा, इसको एग्जैक्टली डायोल के साथ मिलाइएगा. बस इधर सुनते जाइए, जब जिस कार्बन पे अगर इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसने कोई ऑक्सीडेशन नहीं करनी. लेकिन अगर थोड़ा इसको फॉलो करोगे, यहां इस कार्बन पे इसने पता क्या बनाना है, इसने यहां से OH भी निकाल देना है, वहां से उसने O भी निकाल देना है, और प्रोडक्ट के तौर पर उसने अपने साथ कोई पानी शानी बना लेना है. खैर जो भी बनाए जो ना बनाए, मैंने जो आपको बताना है, इट ऑक्सीडाइजेस टू कीटोन. इट ऑक्सीडाइजेस टू कीटोन. उसकी तो ऑक्सीडेशन ही नहीं हुई,
इसकी ऑक्सीडेशन होगी जी, इट ऑक्सीडाइजेस टू कीटोन, इट ऑक्सीडाइजेस टू कीटोन। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो क्या होगी, सुनिएगा जरा गौर से। अगर आप यहाँ पे इसका रिएक्शन कराते हैं विद विद क्या जी, विद एसिडिफाइड, इधर आप यहाँ पे एसिडिफाइड KMnO4 लेते हैं, या आप इसको कोई भी और इसका आप हीट एंड रिफ्लक्स करते हैं, मतलब इसका आप रिएक्शन कराना चाहते हैं किसके साथ, इसका आप रिएक्शन कराना चाहते हैं विद एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि इसने क्या चीज बना देनी है सर जी, इसने बनाना है आर सी, इधर आर डैश, इधर क्या, इधर डबल बॉन्ड ओ, इधर बना देना इसने डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। प्लस क्या, इधर से एच निकले, इधर से ओ एच निकले, इन दोनों निकलकर यहाँ पे वाटर की तरह रिलीज हो जाए, इन दोनों ने वाटर की तरह रिलीज हो जाना जी। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, और एक काम करें इसमें ना प्लस ओ भी लिखें जी। क्या हुआ जी, क्या हुआ जी, टर्शरी वाले की तो मैंने ऑक्सीडेशन ही नहीं कराई, सेकेंडरी वाले की ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने क्या कहा कि यार उसको आप हीट एंड रिफ्लक्स करो, कोई एसिडिफाइड KMnO4 डालो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, उसमें से एटॉमिक ऑक्सीजन निकले, वो इसका रिएक्शन करे आर सी आर डैश, ये वाला आर और ये वाला आर डैश और ये वाला सी, इस सी पे क्या लगेगा, ये सी ने अपने आपको डबल बॉन्ड ओ बना देना है, यहाँ से पानी निकाल देना है, कोई मसला है तो भाई हाथ खड़ा करो, नहीं आप ओ टू लिखेंगे, नो आप जब ऑक्सीडेशन की बात होगी, जब ये ऑक्सीडेशन होती है तो आप रिएक्शन में ये वाला ओ लिखते हैं, बेशक अगर आपको दो ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड हो तो आप यहां टू लिख लेना, ओ टू ना लिखना, ओ टू नहीं लिखना भाई, क्यों ये ओ टू क्यों नहीं लिखना सर, वो तो कंबस्शन में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, वो कंबस्शन के लिए ओ टू होता है, जब आप बर्न कराते हैं ना ओपन बर्निंग तब हम ऑक्सीजन लिखते हैं, अभी मैं ऑक्सीडेशन, मैं कंबस्शन नहीं पढ़ा रहा, मैं ऑक्सीडेशन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ओके ओके। एक बात मैं आपको यहाँ एक और लिखवाना चाहता हूं, लो जी एक काम करते हैं, कीटोन का भी एक रिएक्शन लिखवा देता हूं, क्या कीटोन इज नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज, कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज, कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज जी, ये वाला कॉलम भी खत्म जी, जी कोई सवाल, कोई सवाल, ये आपको तब याद होंगे जब आप एक दफा अपने हाथ से दोबारा लिखेंगे, जब आप उसको अपने हाथ से दोबारा लिखेंगे, एक दफा नहीं दो दो दफा लिखेंगे तो जाके याद होंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अब थोड़ा रटे का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जब रटे का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है तो उसको हिल हिल के पढ़ते हैं जी, ऐसे नहीं वो मदरसों में बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे होते हैं तो वो हिल हिल के पढ़ते हैं तो उनको याद हो जाता, आपको भी ये हिल हिल के पढ़ना पड़ेगा है जी, सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन, टर्शियरी अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन, जैसे वो अमिल बाबा यूं कर, टर्शियरी अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन, टर्शियरी अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन, व्हाट हैपेंस टू सेकेंडरी अल्कोहल सर, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स टू कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल गोस टू कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल गोस टू कीटोन, आगे कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज, ये आपको आगे मैं एक सीन बना दूंगा। अच्छा खैर, इसका रटा लगवाने के लिए मैं आपको एक सीन और बनाता हूँ, आओ जी प्राइमरी अल्कोहल की तरफ चलें, प्राइमरी अल्कोहल की दो स्टेजेस हैं,
क्या करानी है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करानी है, बल्कि एक सेकेंड, इधर इधर इसके अंदर रिएक्शन में दो ऐसे लिखूंगा, ऐसे और ऐसे, जरा सुनिएगा गौर से। अगर आपने इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन कराई तो अंदाजा मारिए क्या बनेगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन कीटोन का भाई बनेगा जी, नहीं कार्बोक्सिलेट नहीं, कीटोन ओ लवर्स नहीं पूछ रहा था ना मैं, इसलिए कह रहा हूँ ए लवर्स के हिसाब से डाल दो। इधर सेकेंडरी वाले ने कीटोन बनाया तो प्राइमरी वाले को क्या बनाना चाहिए, लेट मी टेल यू, पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या होगा, इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। हाँ, इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, अगर आप इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं तो ओ लवर्स में पढ़ा होगा आपने कि सर उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ओके, जरा मुझे बताइए कि इसकी जब आपने प्राइमरी सॉरी पार्शियल ऑक्सीडेशन कराई होगी, जब आपने इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन कराई होगी तो क्या बना होगा। देखो जी, ये R होगा, ये C होगा, जिस C पे दो H थे वो दो H अल्लाह मियां को प्यारे हुए होंगे, उसकी जगह पे डबल बॉन्ड O आया होगा और ये H आया होगा। लेकिन अगर आपने इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराई है तो मैं आपको बताता चलूं कि R होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, उसके बाद यहाँ पे भी OH होगा। और अगर आपने रिएक्शन रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन रिएक्शन लिखना है तो क्या चीज बनी होगी, तो क्या चीज बनी होगी, देयर विल बी दिस, एक सेकेंड रुकिए, प्लस H2O तो बनेगी बनेगा। अगर आप इसका रिएक्शन करा दें किसके साथ जी, सुनो भाई, अगर आप इसका रिएक्शन करा दें विद एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन कैसे होगी वो मैं बताऊंगा, और यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी क्या करने से, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी अगर आप इसमें क्या डालें, एसिडिफाइड KMnO4 डालें, स्लैश एच पॉजिटिव, इसमें भी वैसे KMnO4 डालें स्लैश एच पॉजिटिव, लेकिन पार्शियल ऑक्सीडेशन कब होती है, जब आप हीट अंडर रिफ्लक्स ना कराएं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होती है, जब आप हीट भी करें और बंद भी करें और डब्बे को बंद करके पूरी तरह सही तसल्ली कर लें कि कोई चीज निकलेगी नहीं, कोई चीज निकलेगी नहीं, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर हम कहें कि सर हमने डाला तो वही एसिडिफाइड KMnO4 ही था, दो मिनट सबर, कोई आपसे मशवरा नहीं लेंगे, इसके अंदर आप कराएंगे तो ऑक्सीडेशन ही इसकी कराएंगे तो अपने इसकी ऑक्सीडेशन ही। लेकिन अगर आप ये कहें कि पार्शियल ऑक्सीडेशन कैसे होती है तो मैं एक लफ्ज लिखूंगा, वो लफ्ज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन। What is continuous distillation? अगर आपने partial oxidation करानी है तो आपको थोड़ा थोड़ा KMnO4 डालना होगा, थोड़ी थोड़ी aldehyde जो बनती जाएगी वो निकालनी होगी, distill कराना होगा। खैर ये तो separation technique है। मैं ना इस वक्त, मुझे लगता है मैं आपको aldehyde और ketone का भी एक reaction करा जाऊंगा, मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन का भी एक रिएक्शन करा रहा हूं। पता कौन सा? आपने कहा कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। ओके, अगर आपने जरा थोड़ा एक रिएक्शन का सेंस सिखाता हूं, अगर आप अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल को पार्शियल ऑक्सीडाइज करो तो एल्डिहाइड बना, अगर आप अल्डीहाइड को ही फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो, डोंट यू थिंक
जरा सुनना मेरी बात गौर से, बड़ी गौरतलब बात है भाई, बड़ी गौरतलब बात है भाई, क्या बात है जी, क्या बात है जी, बड़ी बात है जी। देयर इज दिस प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की थोड़ी सी ऑक्सीडेशन कराएं, एक पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएं, पार्शियल इन द सेंस के जब आप ऑक्सीडाइज कराएं तो जैसे जैसे KMnO4 डालें, ये चलें KMnO4 नीचे रख दें, जैसे जैसे अल्कोहल डालें, थोड़ी थोड़ी अल्कोहल डालें और उसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ निकालते रहें। आपको अगर लगे ये, तो मुझे इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट समझाने पड़ेंगे कि जब हम अल्कोहल डालते हैं रिएक्शन होता है, थोड़ा हम उसको हीट करते हैं, उसमें से एल्डिहाइड निकल जाती है। ओके, अगर तो आप एल्डिहाइड को ना निकलने दें, चलें एक काम करते हैं, अगर तो आप एल्डिहाइड को ना निकलने दें और रिएक्शन को कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दें हीट अंडर रिफ्लक्स करके, मैं कह रहा हूं अगर आप थोड़ी सी ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप एल्डिहाइड को बंद कर लें और कंप्लीट हीट अंडर रिफ्लक्स भी करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएं, तो क्या बनेगा सर? तब फिर अल्कोहल डायरेक्ट से चला जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं कहूं पहले आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड निकाल कर एल्डिहाइड को दोबारा ऑक्सीडाइज कर लें, तो फिर भी क्या होगा? फिर भी तो ये हो सकता है। अब आप अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना चाहते हैं या पहले आते हैं कि तुम्हें बनाऊंगा मैं एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड को फर्दर में ऑक्सीडाइज करके बनाऊंगा कार्बोक्सिलिक, तो ये आपकी मर्जी है। हाँ जी, किसी को मसला? तो यू सी आपने क्या किया, रिपीट वंस, ओके रिपीट कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं। मैंने कहा, इधर सुनिए, इधर सुनिए, दो मिनट रुकिए, ये कौन है? ये सी है, उसके साथ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। माइल्ड डिफरेंट है, पार्शियल डिफरेंट है, एक चीज नहीं है बिलाल, वो था माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, मतलब टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज्यादा, कोल्ड या हॉट, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड। अभी मैं आपको क्या कहते हैं, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको पार्शियल और कंप्लीट पढ़ा रहा हूं। पार्शियल का मतलब एक बीकर था, बीकर में मेरे पास KMnO4 NH+ पड़ा था, मैं थोड़ा थोड़ा अल्कोहल डालता था, जैसे रिएक्शन होता था एक चीज बनती थी एल्डिहाइड और उसको फूक मार के उड़ा देता था, मतलब वो खुद ही उसका थोड़ा हीट करता था, उसका खुद ही वेपर्स निकलते थे और उसके वेपर्स उड़ते जाते थे, तो एल्डिहाइड बन गया। लेकिन अगर मैं कहूं मैं वेपर्स को उड़ने नहीं दे रहा और मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं, मैं उसको बंद करके कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता हूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मैं बस ये कह रहा हूं, ए से पहले बी बना लो, फिर बी से सी बना लो, या फिर ए से डायरेक्ट सी बना लो, किसी को मसले? ए से पहले बी पे जाओ, बी से सी पे जाओ, या फिर ए से डायरेक्ट सी पे जाओ, हो सकता है ना? कैसे बोला मैंने, मैं भी बी सर, तो डायरेक्ट सी, हाँ मैं ये कह रहा हूं। मलाइका दो मिनट सबर, बैलेंसिंग को छोड़ो बहन, बैलेंसिंग को छोड़ो, प्रोडक्ट समझना सीखो। ये देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल था, अगर आपने इसकी क्या कराई, गौर से सुनिए बेटा, दो मिनट रुक जाओ यार, इतना लंबा सवाल, दो मिनट मुझे पहले बात करना। अगर ये कौन, प्राइमरी अल्कोहल से अगर मैं कहूं जी प्राइमरी अल्कोहल से आप पार्शियल ऑक्सीडेशन कराओ, तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। अगर आप एल्डिहाइड को क्या करो, फर्दर ऑक्सीडाइज करो, तो कार्बोक्सिलिक कैसे बनता है? तो आप क्यों ना अल्कोहल को डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक कैसे बना लो, बन सकता है सर, बन सकता है सर, क्यों नहीं बन सकता? ठीक है, अब आता हूं बैलेंसिंग की तरफ। अब अगर आपने इसकी बैलेंसिंग चेक करनी है, तो यहां जब ये अल्कोहल से एल्डिहाइड बना होगा तो प्लस क्या हुआ होगा? तो सर हम एल्डिहाइड लिखेंगे, ये आपसे सवाल वाला पूछेगा, सवाल वाले ने अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन कहा तो आप एल्डिहाइड लिखेंगे, सवाल वाले ने अगर कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन कराई तो आप एल्डिहाइड लिखेंगे, लेकिन अगर सवाल ने कहा कि हमने हीट अंडर रिफ्लक्स किया है, या उसने कहा हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन की है, तो बेटा जी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, या फिर उसने कहा पहले हमने एल्डिहाइड बनाया, फिर एल्डिहाइड से हमने आगे कार्बोक्सिलिक बनाया,
तो ये सवाल वाले की मर्जी है, प्लस H2O, यहाँ पे लिखेंगे प्लस H2O, 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 और अगर यहां से आपने डायरेक्ट इधर जाना था, यहां से आपने अगर इधर जाना था तो चेक कीजिए क्या होगा, प्लस आपको एक और एटॉमिक ऑक्सीजन चाहिए होगी, बल्कि बैलेंस अगर कराना ही है तो आप बैलेंस फिर ऐसे कराओ, फिर अगर आप इसको इधर लेके आना चाहते हो, इधर लेके आना चाहते हो, अगर आप इधर से जाना चाहते हो तो प्लस वन एटॉमिक ऑक्सीजन चाहिए, अगर आप इधर से जाना चाहते हो तो आई थिंक प्लस प्लस सी, वैसे चाहिए इसको भी वन एटॉमिक ऑक्सीजन ही, वन एटॉमिक ऑक्सीजन चाहिए होगी, हाँ ठीक है, ठीक है जी, ठीक 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 बस या खुली रह के करने दें या उसको बंद करके कर लें, या उसको बंद करके कर लें, जब आप अलग अलग लिखेंगे तो आप बैलेंस कर लीजिएगा, जब आप अलग अलग लिखेंगे तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ आपको क्या समझ आया, चेक करूँ आपको क्या समझ आया बच्चों, चेक करें क्या समझ आया, ये कॉलम्स बराबर करूँ, अगले पेज पर जाके एक रिएक्शन लिखूँ, ओके लुक एट द रिएक्शन ना, लुक एट द रिएक्शंस, क्या रिएक्शन लिखना मैंने, नो नो अहमद जफर नो, नंबर वन आई हैव गॉट दिस CH3 CH2OH एंड आई डू इट्स ऑक्सीडेशन इन द व्हाट वुड आई यूज, आई यूज दिस KMnO4 acidified KMnO4 but I would do continuous distillation. So can you please tell me kya banega? Aldehyde CH3 CHO plus kya? Plus kya? Plus H2O. Kisi ko problem? Kisi ko problem? बच्चों प्लीज बताओ, नहीं ना, नहीं ना, ओके ओके, अगर मैं कहूं CH3 CH2OH का ऑक्सीडेशन है बट मैंने डाला हुआ है KMnO4 और H+ और मैं लिख रहा हूं हीट अंडर रिफ्लक्स, इसका क्या मतलब है सर, आपने बंद करके हीट कर दिए, बंद करके हीट कर दिए, क्या बनेगा CH3COOH प्लस क्या CH3COOH फिर क्या प्लस H2O CH3COOH प्लस H2O, इसके लिए दो एटॉमिक ऑक्सीजन चाहिए होंगे, दो एटॉमिक ऑक्सीजन चाहिए होंगे, थोड़ा ज्यादा देर के लिए आप इसकी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, हीट एंड रिफ्लेक्स करा रहे हैं, दो रे तीन ओ हो गए H2, हाँ ठीक है जी आप बैलेंस। और अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या करना है, मैंने अगर इस चीज का, क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है कि मैं इधर से इधर गया हूँ, इधर से इधर गया हूँ, या मैं इधर से चला जाऊं, क्या ये एक रिएक्शन नहीं, बल्कि इसको अलग ही लिखवाता हूं, इफ आई से हैव गॉट दिस CH3 CHO प्लस ऑक्सीजन, व्हाट इज दिस, इसमें भी है मैं KMnO4 और H+ इस्तेमाल करूं और बंद कर हीट करूं और रिफ्लक्स भी करूं, व्हाट डू यू थिंक, एल्डिहाइड किधर जाता है सर, एल्डिहाइड भी CH3 COOH पे जाता है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं प्लस H2O नहीं है, अब यहां पे H2O नहीं है, अब यहां पे H2O नहीं है, CH3 COOH बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, will we know कब water, बेटा वो balancing है ना, balancing है ना पुत्र, balancing करें ना जरा, balancing करके check करें ना, खुद ब खुद समझ आ जाएगी आपको कब water बनेगा, कब water नहीं बनेगा।
मैं असल में आपको ये पढ़ाना चाहता हूं कि ये तो आपने किया ही किया है, ये तो आपने किया ही किया है। अब अगर आप किसी को क्या करते हैं, से अगर आप यहां से क्या करते जी, यही के मैनो फोर इस्तेमाल करते, यही के मैनो फोर जी बिल्कुल है, मैथ्स की क्लास है, दो मिनट हो जाएगी, के मैनो फोर इस्तेमाल करते, एच वन प्लस करते और एक, और इसको ना हीट अंडर रिफ्लक्स करते, और यहां पर तो क्या बनता सर, ये सी एच थ्री सी ओ ओ एच बनता, सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस एच टू ओ ये बनता, और इसमें कितने ऑक्सीजन होते हैं, इसमें एक ऑक्सीजन और ये सर ये जी इसमें एक और ऑक्सीजन भी आपको शायद इस्तेमाल करना पड़ता प्लस वन मोर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ये तो यूं कर लो। या फिर सर, या फिर एक काम करें, ये जो ये बना मैंने सर जी, इसकी भी क्या हो सकती है, इसको अगर आप क्या कर दें, इसके अंदर भी, इसके अंदर एक मजीद यू नो क्या कर दें, इसको इसके इसके अंदर मजीद क्या कर दें जी, प्लस इधर भी के मैंने फोर लगाएं और इसको भी हीट अंडर रिफ्लक्स करें, और यू नो यहाँ पे भी एक एक ऑक्सीजन का और वो इस्तेमाल कर लें, तो ये चीज बन जाएगी। बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैन यू डू दिस? ये तो इधर से बना लें, ये लो जी। तो बात वही हुई ना कि आप पहले दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, आप पहले ए से बी पे जाओ, फिर बी से सी पे जाओ, या फिर डायरेक्ट ए से सी पे चले जाओ। जी भाई किसी को प्रॉब्लम है? ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। सर बी से सी जाते हुए वाटर तो नहीं प्रोड्यूस होता? हाँ नहीं होता, तो ये वाटर वही है जो ये था, ये जो वाटर प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये वाटर पड़ा हुआ था, तो ये वाला वाटर भी यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, हेसेस लॉ की तरह एग्जैक्टली, लेकिन अभी मैंने हेसेस लॉ पढ़ाया नहीं है। सो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, इस एल्डिहाइड ने एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, और ये जो H2O था वो H2O की तरह पड़ा था, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया, हर तरफ से बैलेंस्ड है, हर तरफ से बैलेंस्ड है भाई, हर तरफ से बैलेंस्ड है ये। मुझे उम्मीद है इसमें किसी को परेशानी नहीं है। कोई मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, कोई मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। जी पुत्र जी, अब आप एक बात पर गौर कीजिए कि आपको चार रिएक्शंस पढ़ा दिए गए हैं, पांचवा जो है ना कंडेंसेशन, ये मैं आपको भी पढ़ा भी नहीं रहा, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ जी? ये मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पढ़ाऊंगा। आज स्पीड इस वजह से लगाई कि SN आपको पहले से आता था, फिर डिस्प्लेसमेंट ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं, ये कौन सा जी, एलिमिनेशन, ये भी आपको पहले से आती थी, फिर ऑक्सीडेशन मैंने टर्शरी की तो कराई नहीं, ये जो आपका कौन है ये सेकेंडरी वाला, इसको मैंने कहा जी कीटोन में चला जाएगा, सामने नजर आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, हमें प्रॉब्लम हुई फटा हुआ हमें इसके साथ प्राइमरी वाले के साथ, तो मुझे प्राइमरी वाले को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा कि जी प्राइमरी वाला पहले क्या करेगा, अगर आप पार्शली कराओगे तो ये एल्डिहाइड का फटा क्यों डाला है मैंने डायरेक्ट ये कहकर जान क्यों नहीं छोड़ा ली, कि यार कार्बोक्सिलिक कैसे बनेगा, है जी, चूंकि मैं आपको एल्डिहाइड की फैमिली का भी एक रिएक्शन कराना चाहता था, तो जो टाइम मैंने आज कंडेंसेशन में लगाना था, जो टाइम मैंने आज कंडेंसेशन समझाने में लगाना था, वो टाइम मैंने आपको एल्डिहाइड का एक अगली फैमिली का एक रिएक्शन पढ़ाने में लगा दी, अदरवाइज मैंने आज सोचा था कि कंडेंसेशन भी मुका दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कंडेंसेशन मैं अगली किसी फैमिली के साथ कर लूंगा।
कंडेंसेशन रिएक्शन विल बी स्टडीड इन कार्बोक्सिलिक एसिड या विद कार्बोक्सिलिक एसिड। आप अगर कंडेंसेशन का नोट लिखना चाहते हैं तो पांचवें नंबर पर लिख दीजिए कि इसका पांचवा रिएक्शन क्या है, इसका पांचवा रिएक्शन क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन, व्हाट इज इट, इट इज विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जब मैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करूंगा तो वहीं पे ये करा दूंगा स्टेरिफिकेशन, ठीक है जी, इसको मैं जी भाई, ठीक है ठीक है, इसको वहीं पे करें जब कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली पढ़ाएं। चलो जी, चलो जी, दैट्स इट पुत्र जी, दैट्स इट फॉर यू नो क्या कहते हैं, 10 मिनट की ब्रेक, वरना आई विल डाई, डोंट डाई, ठीक है जी। जी यहाँ पे ऑल ऑफ अस के कुछ बच्चे, A2 के भी कुछ बच्चे हैं, उनसे पूछो, वो सुबह 12 बजे, वो भी क्लास 12 बजे मेरे साथ उठे थे, उस्ताद जी आपके सुबह 12 बजे से ले रहे हैं क्लास, आई एम नॉट डाइंग, अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आया सर, चलो जी, ग्रेट हो गया जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह, अभी क्लास खत्म, केमिस्ट्री की क्लास खत्म भाई, केमिस्ट्री वाले छुट्टी करो जी, मैं साल में को बुलाता हूँ, आप हैं, मैं हूँ, आई विल डाई, पानी पी ले मेरी फ्रेंड।